वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नॉनस्टॉप 100 के बाद बात लद्दाख की कर लेते हैं, जहां पर चीन के साथ झड़प में झारखंड के जवान गणेश हंसना भी शहीद हो गए। पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले गणेश हंसना के परिवार को अपने बेटे के बलिदान पर नाज है। वो अपने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सत्यजीत की ये रिपोर्ट। गलवान घाटी में शहीद हुए गणेश हंसदा का यही घर है। यहाँ देखिए अब शहीद का पार्थिव शरीर जो है वो लाया जाएगा, इसकी तैयारियाँ की जा रही है। ये जो है पंडाल बनाया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और पार्थिव शरीर का जो लास्ट राइट होगा वो यहाँ से लगभग 200-300 मीटर दूरी के ऊपर दूरी में इनका जो खेत बना हुआ खेत है वहीं पर जो है लास्ट राइट परफॉर्म किया जाएगा। ये उनका घर है, घर में जो है गमगीन माहौल है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और शहीद का फोटो अगर देखें तो बिल्कुल सामने जो है आपको दिखेगा। ये देखिए शहीद का फोटो है, बच्चे हैं, सभी को अब इंतज़ार है बेसब्री से कि यहाँ जो है पार्थिव शरीर मॉर्टल रिमेंस जो है शहीद का लाया जाएगा। और ये देखिए कुर्सियाँ यहाँ लगाई गई है, अगरबत्ती जलाया गया है, और ये देखिए यहाँ पे तिरंगे लगाए गए हैं। उनके जो है फोटोग्राफ्स और पोर्ट्रेट जो है वो यहाँ पे लगाया गया है ताकि लोग जो है आए। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।